मेरा। बच्चों, अयोध्या नगरी बहुत सुंदर थी, भव्यता अद्वितीय थी। सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी, पेड़ पौधे नदी तालाब जानवर लोग दुख का कहीं भी नामो निशान नहीं था। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर थी कि सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, आसपास के लोग भी अयोध्या नगरी को देखना चाहते थे। वहां के राजा थे राजा दशरथ, राजा अज के पुत्र रघुकुल के वंशज, न्यायप्रिय कुशल योद्धा और सदाचारी, प्रजा का ध्यान रखने वाले, दुख का नामो निशान। उनकी तीन रानियां थी, रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उन्हें दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी उम्र लगातार बढ़ रही थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने रानियों से विचार विमर्श किया कि इस बारे में अब उन्हें मुनि वशिष्ठ से बात करनी चाहिए। मुनि वशिष्ठ से उन्होंने बातचीत की और मुनि वशिष्ठ ऐसा नहीं है कि उनके राजा दशरथ की इस समस्या से समस्या का उन्हें पता नहीं, उन्हें राजा दशरथ की समस्या का पता था, परंतु पहली बार राजा दशरथ ने उनसे इस बारे में बात की थी। वशिष्ठ मुनि से सलाह के बाद वशिष्ठ मुनि ने उन्हें सलाह दिया कि उन्हें त्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। राजा दशरथ इस बात के लिए तुरंत मान गए और त्रेष्टि यज्ञ का कार्यभार सौंपा गया ऋषि श्रृंग को। ऋषि श्रृंग की देखरेख में सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई, आसपास के राजाओं को भी निमंत्रण दिया गया और सभी एक निश्चित तिथि पर सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला में एकत्रित हो गए। यज्ञ की शुरुआत राजा दशरथ ने की और वहां पर जितने लोग भी उपस्थित थे सभी ने उसमें आहुति दी। अंतिम आहुति राजा दशरथ और उनके परिवार ने दी। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप तीनों रानियों के पुत्र उत्पन्न हुए। चैत्र मास की नौमी के दिन राम का जन्म हुआ। भरत रानी कैकेयी के पुत्र थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी सुमित्रा के पुत्र हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बच्चे बहुत ही सुंदर थे, उनको देखकर कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था, सभी उनका मन मोह लेते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई और मुनि वशिष्ठ को उसका कार्यभार सौंपा गया। 16 वर्ष की आयु तक मुनि वशिष्ठ के पास वो गुरुकुल में रहे और उसके पश्चात जब वो वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद राम उनमें सबसे ज्यादा सभी के प्रिय थे। वो राजा दशरथ के समान ही न्यायी, विवेकशील और शालीनता का गुण उनमें भी था। वो न्याय पर बहुत ही जोर दिया करते थे। दशरथ भी राम को बहुत प्रिय थे। दशरथ चाहते थे कि अब राम को राजा बना दिया जाए, राज का पद दे दिया जाए, क्योंकि वह अब बूढ़े हो चले थे और वो चाहते थे कि ये बात सारे सभासदों के सामने रखा जाए। और एक दिन इसीलिए मंत्रणा भी हो रही थी, अभी मंत्रणा शुरू ही हुई थी कि दरबार ने आके बोला कि विश्वामित्र आए हुए हैं। राजा दशरथ अपने स्थान से उठे, विश्वामित्र को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाया और उनसे पूछा कि आपका महर्षि आपका आगमन किस कारण हुआ है, कृपया बताएं। महर्षि कहते हैं कि राजन, मैं आपसे जो मांगूंगा आप दे नहीं पाएंगे। राजा दशरथ कहते हैं कि आप मांगिए क्या चाहते हैं और मैं वचन आपको देता हूँ कि जो आप मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। महर्षि विश्वामित्र के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि वो पहले क्षत्रिय थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था और अपने राज्य को उन्होंने दान दे दिया था। वो बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया था, सिद्धाश्रम। विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज, मुझे आपका बड़ा पुत्र राम चाहिए। मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ जिसमें राक्षसों को मारने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। राजा दशरथ ये सुनकर अवाक रह जाते हैं, वो डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि आवेश में वो कुछ कह नहीं पाते, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब उन्हें होश आता है वो विश्वामित्र से कहते हैं कि मेरा राम बहुत छोटा है, मात्र 16 वर्ष उसकी आयु है, आप मेरे सारे सैनिकों को ले जाइए, मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मेरा राम मेरे बुढ़ापे के एकमात्र सहारा है, मैं राम को नहीं दे सकता। महर्षि का क्रोध बढ़ता रहता है। सारे सभासद मंत्री ये देखकर डरते रहते हैं कि महर्षि ना जाने क्या करेंगे। वो एक बार फिर से कहते हैं राम को ना लीजिए। तब महर्षि कहते हैं आप नहीं देना चाहते, अपने वचन से वो करना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे राम के अलावा कोई नहीं चाहिए। इस
बढ़ते हुए क्रोध को देखकर वशिष्ठ मुनि आगे आते हैं और दशरथ से कहते हैं कि महाराजा चिंता न करें, राम विश्वामित्र के पास रहेंगे तो कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे, क्योंकि क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी है, वो अवश्य उसमें कुछ नई शिक्षा ही देंगे, उनके पास राम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वशिष्ठ के ये कहने पर राजा दशरथ के पास कोई उपाय नहीं रहता है और वो तैयार हो जाते हैं, गिरे हुए मन से, उदास मन से वो तैयार हो जाते हैं, पर एक निवेदन फिर करते हैं कि महर्षि, मेरा राम अकेला हो जाएगा, क्या आप उसके साथ लक्ष्मण को ले जा सकते हैं? महर्षि इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। राम लक्ष्मण दोनों ही अब बन जाने के लिए तैयार है। राम लक्ष्मण को बुलाया जाता है, राम लक्ष्मण बिल्कुल ही उत्साह पूर्वक तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। राजा दशरथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके ओझल होने तक उनके साथ रहते हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि गुरु का सम्मान कैसे होता है, इसलिए उन्हें वो इतने पीछे हैं कि सिर्फ विश्वामित्र की आवाज़ उन तक आती है और इस तरह